वेलकम बैक टू यमी इन टमी। आज हम बनाएंगे दो अलग तरह के समोसे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा है। लेट्स स्टार्ट विद चाइनीज समोसा। पहले दोनों समोसों का कॉमन डो बनाते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक और लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल लेने का मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि हम आटे को भुरभुरा करना चाहते हैं। पानी डालने से पहले इसे हम अपने हाथों के बीच में इसे दबा के चेक कर लेंगे कि उसकी लोई बन रही है या नहीं। अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सख्त सा आटा गूंथ लेंगे ताकि हमारे समोसे क्रिस्पी बने। अब बनाते हैं फिलिंग। पहले मैंने पैन में लिया तेल, उसमें डाला पतला स्लाइस्ड अनियन, बारीक कटा गार्लिक और इसको थोड़ा सा हल्का भून लिया। फिर डाली कद्दूकस करी गाजर और थिनली स्लाइस्ड कैबेज और कैप्सिकम। सब्जियां पक जाने पे हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 ही टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप। एडिशनल फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पेपर और सॉल्ट डाला है, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड नूडल्स। नूडल्स हमें लंबे नहीं चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं मैं अपनी करछी से इसे कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ ताकि समोसे में इसकी स्टफिंग करना ईजी हो जाए। अब सूखा आटा भुरक के हम हमारे मैदे की रोटी बना लेंगे। इस रोटी को कटर से हम हाफ काटेंगे और अब इससे हम 2 समोसे बना पाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने एक साइड पे पानी लगाया है ताकि मेरे को समोसा सील करना इजी हो जाए। पॉकेट बनाने के बाद मैं इसको अच्छे से अंदर तक स्टफ कर दूंगी और वापस पानी की मदद से ही सील कर दूंगी। ध्यान रखिएगा जो फ्लैट साइड है वो ऊपर की तरफ हो और कर्वी पार्ट को हम फोल्ड करके समोसे का मुंह बनाएंगे। स्टफ़ कर देने के बाद पानी लगा के इसे सील करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये समोसे गर्म तेल में फट जाएंगे। यहाँ हमारे समोसे रेडी हो गए हैं, इन्हें हम लो हीट में फ्राई करेंगे। लो हीट में फ्राई करना ज़रूरी है वरना हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने पे आप समोसों को निकाल सकते हैं और ये हो गए हैं तैयार। बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड वॉर्म। आप देख सकते हैं बाहर से कितने क्रंची है और अंदर से बिल्कुल स्टफ्ड है। अब बनाते हैं पिज्जा समोसा। नॉनस्टिक पैन में मैंने लिया है तेल, इसमें डाला बारीक कटा गार्लिक और डाइस्ड अनियन, इन्हें मैं कर लूंगी सॉटे। फिर इसमें हम डालेंगे डाइस्ड कैप्सिकम और वापस करेंगे सॉटे। डालते हैं मसाले, मैंने डाला है नमक, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। अब हम डालेंगे डाइस्ड टमाटर। इसे सॉटे करते वक्त हम चम्मच के बैक साइड से टमाटर को मैश करने की कोशिश करेंगे। फाइनली इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑरिगैनो। सॉस ही बनाने के लिए डालेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून केचप। हल्के हाथ से इस मसाले को मैश करते रहेंगे और यह हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लास्ट इसमें जाएगा बेजल। आपके पास बेजल नहीं है तो आप तुलसी लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तुलसी लीव्स बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है बेजल के लिए। फिर से हम हमारे समोसे की रोटी बना के उसे हाफ काटेंगे बीच में से और स्टफिंग शुरू करेंगे। यूजिंग द सेम टेक्निक मैं इसे अपने हाथ पे फोल्ड करके एक तरफ पानी लगा के सील करके पॉकेट बना रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पिज्जा समोसे का मेन इंग्रेडिएंट है चीज़। यहाँ मैंने 1 चम्मच स्टफिंग डालने के बाद छोटे टुकड़ों में कटे चीज़ क्यूब को डाला है। स्टफिंग भरने के बाद वापस हम एजेस पे पानी लगाएंगे और समोसे को सील कर लेंगे। एंड जस्ट लाइक बिफोर हम इसे भी लो हीट पे फ्राई करेंगे। एंड आवर सॉसी चीजी पिज्जा समोसास आर रेडी। आप चाहे तो इन समोसों को केचप, ग्रीन चटनी या कोई भी और डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। समोसे बहुत गर्म थे जब मैंने इन्हें फोड़ने की कोशिश करी, बट आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और फ्लेकी बने हैं, इनमें से धुआं भी निकल रहा है।
स्टफिंग लुक्स परफेक्ट, चीज़ एकदम ढंग से मेल्ट हुई है और ये आपके मुंह में घुल जाती है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वन।